जिम में बैठा हूं, आपको दिखाने वाला हूं। मजाक कर रहा हूं, ये मेरा घर है, मेरा कमरा है और यहां मैंने जिम का सेटअप किया है। ये वीडियो इसके ऊपर ही है, प्लीज वॉच टिल द एंड। तो दोस्तों सबसे पहले मैं दिखाने वाला हूं कि ये मेरा एक कमरा है, ये 15x20 का कमरा है। यहाँ आप देख सकते हो ये बेड जो था बीच में था, मैंने इसको साइड में धक्का दे दिया। सामने मिरर है, मैं रेगुलर अपनी फिजिक को देख सकूं, जो कि बहुत जरूरी है। दूसरा आप देख सकते हो कि मैंने अच्छी फ्लोरिंग डाली हुई है पहले, क्योंकि हैवी ड्यूटी कोई भी आप सामान डालते हो तो टाइल्स वगैरह टूटनी नहीं चाहिए, तो फ्लोरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप बेंच, ओलंपिक लेवल की बेंच है ये। ये आप इसमें इंक्लाइन या फ्लैट और डिक्लाइन अच्छे से मार सकते हो। और ये आप देख सकते हो कि साथ में मैंने लेग रेज भी कंबाइन करा रहा है। ये मैंने स्पेशल ओलंपिक लेवल की बनवाई है, ये मेरे को कॉस्ट पड़ी 11,000 रुपए। फ्लोरिंग मेरे को पड़ी 4,000 रुपए। उसके बाद आप अलंग की व्लॉग आपने देखी होगी, जहां मैंने कुछ सामान लिया था ये जिम सेटअप के लिए ही। ये आप देख सकते हो जिगजैग का रॉड, साथ में 10-10 वाली प्लेट है। ये आपको बताऊं तो ये जो है 10-10 वाली प्लेट मैंने 4 ली थी, 40 किलो वो हो गया। 5-5 किलो वाली मैंने 2 ली थी, ये 10 किलो हो गया। टोटल 50 किलो की मैंने प्लेट ली। एक जिगजैग रॉड, एक पीछे आप देख रहे हो फ्लैट वाला, ये 5 फीट का रॉड, टोटल मेरे को सारा होके 5,000 रुपए का पड़ा था। ये ओलंपिक लेवल का रॉड है, ये 400 से 450 रुपए पर रनिंग फीट होता है रेट। ये 7 फीट का है, ये पड़ा 3,150 का। अब मेन चीज डंबल पे आते हैं। डंबल मैंने 5 किलो, 7.5, 10, 15 और 20। दोस्तों ये मैंने डंबल्स दिखाए आपको, ये मैंने परचेस किया है 140 रुपए किलो। नॉर्मली आपको ये 85 रुपीज पर किलो से मिल जाएगा नॉर्मल डेज में। दोस्तों मैंने बिफोर 5th ऑगस्ट ये सेटअप किया हुआ है और मेरे को लग रहा है कि मैंने 36,000 रुपए में मोटा मोटा ये इन्वेस्ट करके लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट किया है मैंने, और लाइफ टाइम रिटर्न मेरे को मिलेगा। तो ये सारी मेन चीज हो गई। दूसरा प्रॉपर आप थॉट, जो आपको पॉजिटिव थॉट आपको इंस्पायर करता है, वो आप अपने वॉल पे लगाओ। वॉक हार्ड प्ले हार्ड मेरा वाला, जो मेरी बहन ने मेरे को गिफ्ट दिया। ये भी आप टी शर्ट देख सकते हो, यूट्यूब वाला प्रिंस पद्मानी ऑल इन वन चैनल का नाम है। ये किसी यूट्यूब ने नहीं दिया है मेरे को, ये मेरी बहन ने दिया है। तो मैंने पहनी है आपको दिखाने के लिए, कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स पे कमेंट डाल के बताना। रेजिस्टेंस बैंड बहुत इंपॉर्टेंट है वर्कआउट के लिए, ये डोर के पीछे लगा दो, सबसे सेफ जगह। और फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ एक एक्सरसाइज करके, ये अपन केबल में करते थे जैसे चेस्ट का वर्कआउट, बराबर है। इस तरह से आप काफी मल्टी एक्सरसाइजेस कर सकते हो। दूसरा कौन सी लेनी चाहिए, मैं सजेस्ट करूंगा आप हैंडल वाली लो। दूसरा आप ग्रिपिंग जो है इसका इलास्टिसिटी है वो चेक करके लो। और जनरली आप ऑनलाइन लेते हो तो मैं सजेस्ट करूंगा आपको जो 150-200-250 के अराउंड मिलती है वो मतलब आपको यूज एंड थ्रो होगा। और ये आप समझो अराउंड 800-1000 के बीच में लोगे तो काफी आपको ड्यूरेबल रहेगा कंपेयर टू। तो ये सारी आपने चीजें देखी, ये मेन चीजें है जो आप लेके एक इन्वेस्ट लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट करके आपको रिटर्न मिलता रहेगा। योगामैट जो बहुत जरूरी है, ये सिर्फ बॉयज के लिए नहीं है, ऐसे गर्ल्स भी सेटअप कर सकती है। जो पावर लिफ्टर है, जो प्रॉपर वेट लिफ्टिंग करती है जनरली, तो वो भी ऐसा जिम सेटअप कर सकती है। दूसरा चीज वो मतलब खाली खाली लेके एरोबिक्स भी कर सकती है और एसेसरीज में कैटरबेल वगैरह ले सकती है। दूसरा एक म्यूजिक सिस्टम होना चाहिए, ये मेरा पोर्टेबल म्यूजिक सिस्टम आप देख सकते हो, ब्लूटूथ कनेक्ट वाला, इजीली आप गाना सुनो 1 घंटा 2 घंटा जो मर्जी, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा आपको, फ्रीली वर्कआउट करो बिंदास, दुनिया कहीं तेल ले दे। और मैं अपनी गैलरी भी आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ पे मैं हैवी वेट स्क्वाट्स लैग जो मारता हूँ मैं ज्यादातर, वो मैं बाहर आके मारता हूँ खुली हवा में। ये गैलरी है मेरी, यहाँ पे मैं
आराम से लेग्स वेट उठा के मारता हूँ। ऐसे मैं अपने आप को 1-1.5 घंटा देता हूँ और मेरी ट्रेनिंग ऑलरेडी 1 महीने से चालू है फुल फ्लेज में। आप देख सकते हो बीच में मेरा जो है मसल डेड हो गया था, अब वापस रिकवर हो रहा है। आप देख सकते हो ये रिकवर हो रहा है। तो आपको शायद लगता होगा कि वेट गेन हो रहा है, तो मैं गेनिंग में हूँ ऑलरेडी, पर मसल गेन में हूँ। और आपको और ढेर सारी फिटनेस रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन देनी है मेरे को, तो बहुत ज़रूरी है मेरे लिए भी अपडेट रहना। अपने आप में भी मेरे को होता है कि मैं अपडेट रहूँ। जिम सेटअप घर के अंदर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे बेनिफिट्स है आपको। मतलब जो भी एक्सक्यूज देना है कि काम में था मैं जिम नहीं जा पाया, तो यहाँ पे आपको कोई एक्सक्यूज नहीं है। आप मन चाहे तब कर सकते हो, रात को 12 बजे भी कर सकते हो, रात को 4 बजे भी कर सकते हो, सुबह को कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं। मेरे को बेनिफिट ये है क्योंकि मेरी शादी नहीं हुई है, इसलिए मैं अच्छे से यहाँ पे सेटअप कर पाया। और रूम में सेटअप करने का दूसरा मेन ये कारण था कि बारिश का टाइम है इसलिए। दोस्तों बस आपका जिम सेटअप तैयार, और देर किस बात की, चलो हो जाओ शुरू। मैं तो चालू हो गया, मेरा गेनिंग पीरियड चल रहा है। आगे मैं आपको मेरी फिजिक जो मैंने पिछले साल ट्रांसफॉर्म की थी वैसी फिजिक ला के खड़ा कर दूंगा, हो सकता है उससे अपडेट। तो मेरे साथ साथ आप भी वर्कआउट करो, और आने वाले टाइम में आपको कैसी वीडियो चाहिए वो मेरे को प्लीज आप इस वीडियो पे कमेंट बॉक्स पे कमेंट डालना मत भूलना, और प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्रिंस फत्तानी ऑल इन वन।